Morning students, today we will start self practice 4D. Word problems are there. Question 1 is, a small bar of chocolate contains 235 calories. How many calories are there in 125 such bars of chocolate? कि एक चॉकलेट बार में इतनी कैलोरीज हैं, ठीक है? तो 125 बार्स में कितनी कैलोरीज होंगी? एक बार का हमें बताया है, 125 बार्स का हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, 125 को 235 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलोरीज इन वन चॉकलेट बार इज इक्वल टू 235, ठीक है? एंड नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स इज इक्वल टू 125, देयरफोर टोटल कैलोरीज इन 125 बार्स इज इक्वल टू 235 मल्टीप्लाइड बाय 125 इज इक्वल टू, यहाँ इसको टू हंड्रेड थर्टी फाइव मल्टीप्लाइड बाई 125, फाइव फाइव जा 25, कैरी टू, फाइव थ्री जा 15, 15 एंड टू 17, कैरी वन, फाइव टू जा 10, 10 एंड वन 11, ज़ीरो, टू फाइव जा 10, 10 का ज़ीरो, कैरी वन, टू थ्री जा 6, 6 एंड वन 7, टू टू जा 4, ज़ीरो ज़ीरो, वन फाइव जा 5, वन थ्री जा 3 एंड वन टू जा 2, फाइव सेवन, सेवन एंड फाइव 12, 12 एंड वन 13, 13 का 3, कैरी 1, फोर थ्री एंड फोर 7, 7 एंड वन 8, 8 एंड वन 9 एंड टू का 2, 29,375 आंसर लिखेंगे, 29,375 कैलोरीज आर देयर इन 125 चॉकलेट बार्स, ठीक है? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अ स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ डे पिकनिक फॉर 275 चिल्ड्रन टू एडवेंचर आइलैंड ऑन 2nd अक्टूबर, ईच चाइल्ड पेड रुपीज 310 फॉर अ टिकट, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाय स्कूल फॉर द पिकनिक? एक स्कूल ने एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की है जिसके लिए 275 बच्चों ने अपना नाम लिखाया है और हर बच्चे ने 310 रुपीज़ दिए हैं उस टिकट के लिए। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाय द स्कूल फॉर द पिकनिक? तो जो उस स्कूल ने टोटल कितना मनी कलेक्ट किया है पिकनिक के लिए? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 275, ठीक, एंड मनी पेड बाय ईच चाइल्ड इज इक्वल टू रुपीज 310, ठीक। 275 बच्चे हैं टोटल और हर बच्चे ने 310 रुपीज दिए हैं। Therefore,
टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू 275 मल्टीप्लाइड बाय 310 0 5 जा 0 0 7 जा 0 0 2 जा 0 0 1 5 जा 5 1 7 जा 7 1 2 जा 2 0 0 3 5 जा 15 कैरी 1 3 7 जा 21 21 एंड 1 22 कैरी 2 3 2 जा 6 एंड 2 8 0 0 0 0 0 5 एंड 0 5 7 एंड 5 12 12 का 2 कैरी 1 2 एंड 2 4 4 एंड 1 5 एंड 8 का 8 यानी 85,250 रुपीस। यहाँ लिखेंगे पहले 85,250। ठीक है, अब आंसर लिखेंगे रुपीस 85,250 वर कलेक्टेड। Now question 3, a carton of biscuits hold 115 packets. How many packets of biscuits will be in such 250 such cartons? एक बड़े बॉक्स में बिस्किट के 115 पैकेट्स हैं, तो ऐसे 250 कार्टन्स में कितने बिस्किट के पैकेट्स होंगे? एक कार्टन में इतने पैकेट्स हैं, तो 250 कार्टन में कितने पैकेट्स होंगे? नंबर ऑफ कार्टन्स इज इक्वल टू 250, नंबर ऑफ पैकेट्स इन वन कार्टन इज इक्वल टू 115। ठीक है, therefore number of packets in of biscuits is equal to 250 multiplied by 115 multiplied by 115. 5 zeros are 0, 5 5 are 25, 25 ka 5 carry 2, 5 2 are 10 and 2 12. Here 0, 1 zeros are 0, 1 5 are 5 and 1 2 are 2. 0, 0, 1 zeros are 0, 1 5 are 5, 1 2 are 2. 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 2 and 5, 7, 5 and 2, 7 and 1, 8 and 2 ka 2. Kitna aaya? 28,750. Theek hai? To 115 cartons mein kitne packets hain? 28,750. Answer likhenge. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ अ मीडियम साइज ट्रॉलर बैग इज रुपीज 3,259, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 205 सच बैग्स? एकदम सिंपल है कि एक
स्ट्रॉलर बैग का कॉस्ट इतना है तो 205 बैग्स का कितना होगा, क्या करेंगे, जो कॉस्ट है उसको 205 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ वन स्ट्रॉलर बैग इज इक्वल टू रुपीज 3,259 एंड नंबर ऑफ स्ट्रॉलर बैग इज इक्वल टू 205। देयरफोर कॉस्ट ऑफ 205 बैग्स इज इक्वल टू रुपीज 3,259 मल्टीप्लाइड बाय 205, ठीक है। तो 3,259,205, 5 9 45 45 का 5 कैरी 4, 5 5 25 25 and 4 29 का 9 कैरी 2, 5 2 10 and 2 12 12 का 2 कैरी 1, 5 3 15 and 1 16, देन 0, 0 9 0, 0 5 0, 0 2 0, 0 3 0, 0 0 2 9 18 कैरी 1, 2 5 10 and 1 11 कैरी 1, 2 2 4, 4 and 1 5 एंड 2 3 6, 5 0 0 5, 9 0 0 9, 8 and 2 10 कैरी 1, 6 and 1 7 and 1 8, 5 and 1 6 एंड 6 का 6, ठीक। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, रुपीज 6,68,095, रुपीज 6,68,095। आंसर लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 205 स्ट्रॉलर बैग्स इज रुपीज 6,68,095, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 1,625 पेंस इन अ डे, हाउ मेनी पेंस डिड इट मैन्युफैक्चर इन द ईयर 2016, कि एक कंपनी जो है, एक फैक्ट्री जो है वो एक दिन में इतने पेंस बनाती है, तो 2016 में वो कितने पेंस बनाएगी। तो पहले देखेंगे 2016 में कितने डेज होंगे, नॉर्मल ईयर्स में कितने डेज होते हैं, 365, लेकिन 2016 लीप ईयर है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स ये लीप ईयर है, तो इसमें कितने डेज होंगे, 366, तो हम 366 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि पूरे ईयर में, पूरे ईयर 2016 में कितने पेंस बनाए गए हैं। नंबर ऑफ पेंस मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे इज इक्वल टू 1,625. नाउ नंबर ऑफ डेज इन द ईयर इज इक्वल टू 366, क्यों, क्योंकि ये एक लीप ईयर है, ठीक है। इस ये हमने क्यों देखा कि लीप ईयर है, क्योंकि अगर वैसे नॉर्मली लिखा होता कि इन ईयर, तो कोई भी ईयर होता, उसने स्पेशली बताया है ना कि 2016, इसका मतलब 2016 में कहीं कोई स्पेशल चीज़ तो नहीं, तो हमने उसको फाइंड आउट किया, वो लीप ईयर तो नहीं, उसके लिए 4 से डिवाइड किया, जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है
वो लीप ईयर होते हैं, ठीक है, इसलिए लीप ईयर हैं। तो डेज कितने हो गए, 366। देयरफोर नंबर ऑफ पेंस मैन्युफैक्चर्ड इन 360 डेज इज इक्वल टू 1625 मल्टीप्लाइड बाय 366। मल्टीप्लाई करेंगे, 65 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 62 जा 12, 12 एंड 3 15, 15 का 5 कैरी 1, 66 जा 36, 36 एंड 1 37, 37 का 7 कैरी 3, 61 जा 6, 6 एंड 3 9, नाउ हियर 0, 65 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 62 जा 12 एंड 3 15, 15 का 5 कैरी 1, 66 जा 36 एंड 1 37, 37 का 7 कैरी 3, 61 जा 6 एंड 3 9, देन 0 0, 35 जा 15 कैरी 1, 32 जा 6 एंड 1 7, 36 जा 18, 18 का 8 कैरी 1, 31 जा 3 एंड 1 4, 0 0 0 0, 5 0 0 5, 5 एंड 5 10, 10 एंड 7 17 कैरी 1, 7 एंड 7 14, 14 एंड 9 23, 23 एंड 1 24, 24 का 4 कैरी 2, 9 एंड 2 11, 11 एंड 8 19, 19 का 9 कैरी 1, 4 एंड 1 5, 5,94,750, 5,94,750, answer 5,94,750 pens are manufactured in the year 2016, ठीक है। तो ये 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको आज के लिए आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में।